आपकी शरीर में होने वाली व्याधियाँ, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या आत्मिक हो, वो सभी आपकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमें अपने शरीर में लक्षणों के आधार पर कितने वी, कितने पी और कितने के मिले, हम कुछ लक्षणों के आधार पर अपने आप को नंबर देंगे। नमस्कार, मैं वैद्य अखिलेश शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, पिछले 30 वर्षों से चिकित्सा में हूँ, और आज हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट नोइंग योर प्रकृति, योर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आधार पर आप यह निर्णय कर सकते हैं कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। उससे पहले प्रकृति निर्णय से आपको ये पता लगता है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सूटेबल हैं, चाहे आपके जीवन में, आपके कैरियर में, आपके संबंधों पर, आपके लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स पर, और आपकी शरीर में होने वाली व्याधियाँ, चाहे वो शारीरिक हों या मानसिक हों या आत्मिक हों, वो सभी आपकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो स्व में स्थिर रहने का यानी स्वस्थ रहने का आधार जो है वो प्रकृति एनालिसिस और तीनों दोषों का वात पित्त कफ का सामंजस्य, उनका बैलेंस रखना है, ये आयुर्वेद हमें पढ़ाता है। तो आइए बात करते हैं आज दोषिक कॉन्स्टिट्यूशन चार्ट की, जिसमें हम तीन तरह के लक्षण जो हमारे शरीर में होते हैं, वातज, पित्तज और कफज, जिससे हम प्रकृति एनालिसिस करते हैं, हम कुछ लक्षणों के आधार पर अपने आप को नंबर देंगे कि हमारे, लेट अस सी, हमने वातज को वी कहा, पित्तज को पी और कफज को के, तो हमने देखने हैं हमें अपने शरीर में लक्षणों के आधार पर कितने वी, कितने पी और कितने के मिले, और उससे ये बहुत आसान हो जाएगा अपनी प्रकृति को जानना। जैसे हम फिज़िकल फीचर्स की बात करें, यानी कि शरीर की बनावट के बारे में, जो वात प्रकृति के लोग हैं उनका बॉडी फ्रेम जो है वो लीन एंड थिन होता है, यानी वो लोग पतले होते हैं, जैसे बकरी है, जैसे भेड़ है, और वह अचाल होते हैं, हिलते डुलते रहेंगे लेकिन पतले सुकड़े होंगे। तो बॉडी फ्रेम वाता प्रकृति हैव लीन एंड थिन बॉडी फ्रेम। जो पित्ता के प्रकृति के लोग हैं उनका मॉडरेट साइज का होता है, जैसे सिंह का, लायन का, हाँ, वो मॉडरेटली बिल्ट होगा। और कफ प्रकृति के कौन लोग होते हैं, दे आर लार्ज एंड थिक, बड़ी बॉडी होगी, मोटे होंगे, जैसे हाथी। तो तीन जानवरों में अगर हम कंपेयर करें तो वात प्रकृति भेड़, पित्त प्रकृति शेर और कफ प्रकृति हाथी के तरह के लोग होंगे। तो इन लक्षणों के आधार पर अगर हम स्किन की ओर देखें तो स्किन जो है, त्वचा, वात प्रकृति के लोगों में त्वचा जनरली आपको ड्राई मिलेगी, रूक्ष होगी, है, रफ होगी, उसके अलावा कभी कभी कूल जैसी हल्का ठंडकपन लिए हो सकती है, काली त्वचा होगी या ब्राउन रंग की होगी त्वचा। तो ये कलर ऑफ द स्किन ऑल्सो इज मोर वाता, अगर वो ड्राई है, रफ है, काली सी है या ब्राउनिश है। पित्त प्रकृति की जो वो त्वचा है या स्किन है वो सॉफ्ट होती है, यानी कि नरम होगी, ऑयली होगी, लेकिन उस पर तैलीय स्तर का उस पर होगा, है, फैटी जिसको बोलते हैं ऑयली स्किन, वार्म होगी, कंपैरेटिवली उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, गर्म होता है, कुछ लोगों के हाथ पैर गर्म होते हैं, जैसे हम हाथ लगाएं तो लगता है उनका बॉडी टेम्परेचर हमसे ज़्यादा है। वो फेयर होंगे ज़्यादातर, गोरा रंग होता है उनका, येलोइश हो सकते हैं कई बार, पीला सर रंग लिए होगी त्वचा, जैसे कई बार जिस किसी को जॉन्डिस हो जाए तो त्वचा का रंग गाढ़ा पीला हो जाता है, तो हल्का पीला हो तो नॉर्मल पित्त है, और या लालिमा लिए हो, लालपन होगा, तो ये हुआ पित्त स्किन। कफा टाइप स्किन में क्या होगा, कफा टाइप स्किन इज थिक, जैसे कहते हैं ना मोटी खाल का व्यक्ति है, ऑयली होगी, खाल मोटी होगी, स्किन इज थिक, ऑयली, देन इट इज़ कूल, ठंडापन लिए हुए होगी, पेल होती है कई बार, वाइट होगी, और उस पर थोड़ी सी शाइनिंग या ग्लिसनिंग अपीयरेंस होगी, एक खास तरह की चमक होगी स्किन के ऊपर। तो देखिए कितना सही विश्लेषण आयुर्वेद ने हज़ारों साल पहले किया था कि त्वचा भी वात, पित्त और कफ के लक्षणों के आधार पर अगर तय की जाएगी तो उससे आपके स्किन लोशंस, बॉडी क्रीम्स, ये सब जो लगाते हैं
उसके आधार पर होनी चाहिए और उसका एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। इसके अलावा अगर हेयर्स की बात करें, वात प्रकृति के जो बाल हैं दे विल बी ड्राई, रफ, ब्रिटल होंगे, जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है, ब्लैकिश उनके काले बाल होंगे और ब्राउनिश तेल हो सकते हैं। तो ये हेयर का वाता टाइप का स्ट्रक्चर हुआ। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनके बाल कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ऑयली होंगे, लेकिन उनमें जल्दी ग्रे, अर्ली ग्रेशनेस आना शुरू हो जाती है, यानी ये कहते हैं ना बाल ग्रे हो गए या सफ़ेद हो गए, वो जो जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो पित्त प्रकृति के लोग हैं। बाल्डनेस, उनमें गंजापन जल्दी आएगा। जितने भी लोग आप पित्त प्रकृति के देखोगे ज़्यादातर लोगों में अर्ली गंजापन आपको दिखाई देगा, यानी उनके बाल उड़ जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए मेरे अपने बाल देखिए, मैं पित्त प्रकृति का व्यक्ति हूँ और मेरे बाल उड़ गए हैं 60 साल की उम्र में। तो इसलिए कई बार होता है कि बेटे के बाल जल्दी उड़ गए और बाप के बाल अभी तक नहीं उड़े, क्योंकि दोनों की प्रकृति में फ़र्क था। कई बार उसमें उम्र के हिसाब से भी नहीं, प्रकृति के अनुसार बालों का होना या ना होना तय होता है। पित्त प्रकृति के स्किन जो अर्ली बाल्डनेस होगी उनमें, और उनके बाल हल्के से रेडिशनेस या येलोइश लिए हुए होंगे, हल्के से लालिमा लिए हुए लाल रंग के बाल होंगे, जैसे मेहंदी लगा दी हो ऐसा कुछ लगेगा। कफ प्रकृति के हेयर्स आर थिक, दे आर ऑयली, मोटे बाल होते हैं, ऑयली होंगे, थोड़े से वेवी या कर्ली हो सकते हैं, ज़्यादा घने और काले होंगे। हाँ, कई बार उनमें भी शाइनी अपीयरेंस दिखेगी पित्त प्रकृति की तरह, लेकिन थिकनेस ज़्यादा होगी और वाइट होते हैं काफ़ी बाल कई बार। तो अब उसके बाद बात करते हैं दांतों की। वाता पीपल दे हैव इरेगुलर, दांत उनके टेढ़े मेढ़े होते हैं, कई बार बाहर निकले हुए होते हैं, हैं, कई बार उनके क्रुकड या उनके गम्स भी होते हैं ना, वो सिकुड़े जैसे होते हैं, थिन गम्स होते हैं। फिर उनके दांत जल्दी गिरने लगते हैं, ये एक खास लक्षण है, अर्ली डिके ऑफ द टीथ। कुछ लोगों के दांत जल्दी गिर जाते हैं, काफ़ी लोगों के देर तक चलते हैं, ये भी जो वात प्रकृति के लोग हैं उनके दांत जल्दी गिरते हैं। पित्त प्रकृति के दांत जो हैं दे आर रेगुलर, यानी कि ठीक तरह से लगे होते हैं, आकार में सही क्यू में, आगे पीछे नहीं होते, इरेगुलर नहीं होते, मॉडरेट साइज में होते हैं, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, और गम्स जो हैं उनके सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अगर अपने ही गम को आप दबा के देखेंगे आपको पता लगेगा हार्ड है सॉफ्ट है, और गम ज़्यादातर येलोइश होंगे, थोड़े सा पीलापन लिए हुए। जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनके दांत रेगुलर होंगे, टीथ जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा अच्छे सफ़ेद होंगे और चमकदार होंगे और हेल्दी होंगे। कफ प्रकृति के लोगों के दांत जल्दी ख़राब नहीं होते, वात प्रकृति के जल्दी ख़राब हो जाते हैं।